सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में ना मैं अपने का 6 मंथ मेरे को पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मेरी स्टडीज जो है भी टाइम भी फिनिश हो चुका है। सो आई थॉट कि लेट्स शेयर माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ द 6 मंथ कि मेरा यूके में मैंने कैसे 6 मंथ स्पेंड किए और मेरा एक्चुअल में जो फीलिंग्स या मुझे कैसा लगा यूके। सो सबसे पहली बात कर लेता हूँ कि भाई डिप्रेशन या फिर होम सिकनेस, देखो यार सच बता रहा हूँ होती है, चीजें होती है और आपके साथ बाई पॉसिबल हो सकती है। मेरे को काफी ज्यादा होम और फैमिली को मिस मैंने किया था स्टार्टिंग के 2 मंथ्स, भाई मेरे साथ काफी गंदा गया था, डिप्रेशन हुआ था मुझे भी हो सकता। और इनका इलाज यही है सिर्फ और सिर्फ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स बना लो यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी विजिट कर लो तो भी ठीक है, या फिर हाई स्ट्रीट वगैरह जा सकते हो या फिर क्लब वगैरह ज्वाइन कर सकते हो तो वो कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे अपना बिजी स्केड्यूल रखोगे और रूम पे अगर आप अकेले रहते हो, सपोज स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो, तो भाई बिल्कुल अकेले वगैरह बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आज जैसे आपने अकेले रहना स्टार्ट कर दिया ना तो बिलीव मी ट्रस्ट मी तभी आपको ज्यादा डिप्रेशन और तभी ज्यादा होम सिकनेस वगैरह जो भी है सारी चीजें तभी स्टार्ट होती हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर दिस कि आप जाके यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो या फिर क्लब वगैरह जा सकते हो या फ्रेंड से बात कर सकते हो, तो और अपनी फैमिली से तो डेफिनेटली बात आप करते ही होगे और करते भी रहोगे, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट ये मेरा कि वेदर एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे। देखो दिल्ली में इतना गर्मी ज्यादा रहती थी तो एज कम्पेयर टू दिल्ली की हीट से तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि समर्स में यहाँ पे यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, और विंटर्स यहाँ की काफी ज्यादा मतलब क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है तो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग भी बताया जाता है। और मैं जनवरी में आया था तो मेरे को इतना ज्यादा ठंड, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ज्यादा ठंड लगी थी, बट आफ्टर दैट मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी थी। मैं तो पहले जब बताया भी था मैंने अपना एक्सपीरियंस कि मैंने टोपी वोपी सब पहन के रखता था, मफलर वगैरह सारा थर्मल वगैरह, बट आफ्टर दैट मैंने रियलाइज किया कि इतनी ज्यादा ठंड नहीं है और टोपी वगैरह सब उतार के भी जाने लगा। थर्मल्स बस मैंने फर्स्ट वीक और 2 वीक्स मैंने पहने थे, बट आई अगर आपको ज्यादा ठंड वगैरह लगती है तो मेक श्योर कि आप थर्मल्स वगैरह जरूर लेके आओ, थर्मल्स वगैरह पहन लोगे तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस कैसे है। तो यहाँ पे देखो यार मोस्ट ऑफ द टाइम ना, क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्शा कर लेते थे या टैक्सी कर लेते थे या ऑटो कर लेते थे, तो यहाँ पे ना यार ऐसा वाला सिस्टम है नहीं, मतलब मोस्ट। और हम लोगों को जैसे ट्रेन स्टेशन पे जाना है तो अगर वो 1 माइल या फिर 0.36 माइल कुछ हुआ, मतलब 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर हुआ, तो हम लोगों को वॉक करके ही जाना पड़ता है। जैसे हाई स्ट्रीट यहाँ पे बस वगैरह है अवेलेबल ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा ना टाइमिंग वगैरह का मैनेज करना पड़ता है, फिर £2.5 का सीधा सीधा टिकट कटता है अगर जैसे ही आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया एक जगह से। इवन अगर आप दूसरे स्टॉप पे भी जाते हो, मतलब अगर आप दूसरे स्टॉप पे भी जाते हो तब भी आपका £2.5 तो कटना ही कटना है। तो मिनिमम फेयर यहाँ पे पता नहीं £2.5 का एक बार में डिडक्शन होता है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, कैसे मैनेज करते हैं ये लोग, बट हाँ मतलब यहाँ पे वॉकिंग ज्यादा करनी पड़ती है। और ट्रेन टिकट्स तो आपको पता ही है वैसे ही महंगी है, और मतलब ट्रेवल ऑलमोस्ट महंगा है, मतलब कह सकते हैं कि महंगा है। बाकी गाड़ियां वगैरह देखो यहाँ पे सस्ती है, बट फिर वही मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा आ जाएगा और फिर इंश्योरेंस वगैरह का, तो मतलब काफी झमेले तो देखो है गाड़ी वगैरह लेने में भी। और ट्रांसपोर्ट का खुद का मतलब अगर गाड़ी वगैरह ले लोगे तो कुछ चीजें इजी हो जाएंगी, जैसे कि कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह में इजी हो जाएगी या फिर और भी अदर स्टफ है, जब आप यहाँ पे आओगे तो सारी चीजें पता ही लग जाएंगी आप। इंडियन फूड यार वो तो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग शाम को अभी भी जैसे फ्री टाइम होता था क्या करते थे कि बाहर समोसे या फिर मोमोज वगैरह खा लेते थे, चाय वगैरह पी लेते थे, बढ़िया यार। मतलब जो स्ट्रीट फूड वगैरह ना पराठे वगैरह छोले भटूरे ये सब तो यार इतना मिस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब चीजें मिलती हैं बट ना तो टेस्ट होता है। ये लोग मसाले वगैरह अपने इंडिया से छीन वीन के चुरा उरा के जैसे भी लूट वगैरह के लेकर आए, यहाँ पे मसाले तो बिल्कुल यूज करते ही नहीं है लोग, तो पता नहीं कैसा बॉइल्ड वगैरह खाना खाते हैं। मुझे तो खाना यहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं आया सच बता रहा हूँ। और अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप खुद पे घर पे कुकिंग करोगे, रो राइस वगैरह लेके आओगे खुद से पका लोगे तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, क्योंकि आउटिंग यहाँ पे एक तो एक्सपेंसिव होगी, फूड आपको पसंद नहीं आएगा, तो मतलब पैसा कुल मिला के बर्बाद ही होने वाला है। तो अगर खुद से आप कुकिंग वगैरह सीख सकते हो तो एक बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे नॉन वेज वगैरह बहुत ही लोग खाते हैं हर चीज में, मतलब जैसे वेज पेटी हो गई तो उसमें भी कोई पोक वगैरह की पेटी उसे देंगे, अगर कुछ आलू का सॉसेजेस होगा तो उसमें भी पोक या फिर बीफ वगैरह की पेटी उसे देंगे। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आप लोग मतलब धार्मिक वगैरह ज्यादा हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ भी खरीदने से पहले ना उसकी इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लेना, वरना आपका धर्म तो यहाँ पे कंफर्म भ्रष्ट होने वाला है। तो मतलब इस पॉइंट को ना कंसिडर कर लेना, जो लोग वेजिटेरियन हो उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो लोग भाई पोक वगैरह या हैम वगैरह या बीफ वगैरह खाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि और जो लोग बीफ वगैरह या हैम वगैरह नहीं खाते तो वो भी चेक कर लेना, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ चिकन या मटन वगैरह ही खाते हैं या फिशेज वगैरह खाते हैं, तो वो सब आपके लिए कंसर्न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता, तो चेक कर लेना मेक श्योर।
बाकी नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं स्टडी लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो देखो यार, स्टार्टिंग में जो है ना आपको अडॉप्ट करने में, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट पैटर्न है द वे वी स्टडी इन आवर कंट्री होम कंट्री, तो उससे बहुत ज्यादा अलग है। तो मेक श्योर ना कि आप स्टार्टिंग के जो आपको फर्स्ट टर्म होगा ना उसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट करना, मतलब अगर आपके पास, मतलब देखो वैसे तो सब लोग एक साल का अरेंजमेंट अपना करके आते हैं लिविंग एक्सपेंस प्लस उसके लिए, लेकिन अगर आप लोगों को मतलब पैसों की बिल्कुल वो नहीं है ना, तो भाई मैं तो सबको रेकमेंड यही करूंगा कि फर्स्ट टर्म पे अपना पढ़ाई पे ध्यान देना ज्यादा, और फेल भी लोग ज्यादातर फर्स्ट टर्म में होते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ घटनाएं हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ आप लोग को ऐसा हो कुछ भी, तो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आप लोग सीख सकते हो तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि अगर पार्ट टाइम वगैरह मिलती है या नहीं मिलती, तो देखो यार मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म पे मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब थी, डिप्रेसिंग वगैरह सब था, तो इस वजह से मैंने मतलब अप्लाई ही नहीं किया। आफ्टर लाइक जब के एंड तक या मार्च के एंड तक मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, और एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कर लो या नियर बाय पार्ट टाइम वगैरह जॉब सर्च को आपको मिल जाएगी 100% कह रहा हूँ, मतलब एक से दो हफ्ते या तीन हफ्ते लगेंगे बट डेफिनेटली मिल जाएगी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह यार बहुत सारी अवेलेबल है। ऐसा अगर आपको ऑनलाइन सर्च मतलब ऑनलाइन वगैरह एप्लीकेशन से दिक्कत हो रही है, तो आप यार फेस टू फेस विजिट कर लो अपना हाई स्ट्रीट वगैरह पे, काफी सारी जॉब वैकेंसी वगैरह अवेलेबल होती है, जैसे कि डोमिनोज हो गया, ये KFC हो गया, या फिर और भी अदर होटल्स वगैरह हो गए, तो उन पे भी रिक्वायरमेंट्स होती है क्योंकि पार्ट टाइम में यही सारी जॉब्स अवेलेबल होती है। अगर आप सोच रहे हो कि IT वगैरह की जॉब करोगे पार्ट टाइम में, तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप लकी हुए तो मिल जाएगी। यार कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार सिंगल आना चाहिए कपल आना चाहिए, तो भाई मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है तो भाई शादी करके ही आओ, क्योंकि यार एक से भले दो, आप देखो ना कितना बेनिफिट है कपल्स आने में, एक बंदा स्टडी कर रहा है जो वो भी पार्ट टाइम कर सकता है प्लस, और जो आपका डिपेंडेंट है वो तो यार डेफिनेटली फुल टाइम वर्क अलाउड है उसको, तो वो कितने पैसे कमा सकता है उसका तो आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। और ऊपर से जो यार इमोशनल और इमोशनल सपोर्ट जो आपके पार्टनर से मिल सकता है वो भी एक काफी वैलिड पॉइंट है इस चीज के लिए कि आप कपल्स ही आना ज्यादा बेटर है। बट हाँ, कुछ लोगों की प्रेफरेंस अलग होती है कि सिंगल ही आपको पढ़ाई करनी है या जो भी है, बट अगर आप कपल्स आ सकते हो तो भाई आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा, आपको फाइनेंशियली प्लस इमोशनली फिजिकली सारी चीजें सपोर्ट मिल जाएंगी। यहाँ का लोग कैसे है भाई, यहाँ के लोग अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, सच बता रहा हूँ, मैंने इंडिया में इतने अच्छे लोग नहीं देखे होंगे। मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ के लोग इतने मतलब कूल होंगे, काफी अच्छे होंगे, इतना अच्छा नेचर बिहेवियर इनका काफी अच्छा है यार। आप मतलब किसी को भी जानते नहीं हो, वो आपसे फिर भी ग्रीट कर रहा है, वो आपको ना हाय हेलो गुड मॉर्निंग तक बोलते हैं। भाई मुझे नहीं पता यहाँ का क्या कल्चर है, कैसा कल्चर है, बट हाँ यहाँ पे लोग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज्यादा मतलब आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और थैंक यू सॉरी हाय हेलो ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे, तो मेक श्योर कि आप भी ना मतलब क्या बोलते हैं रूड वगैरह ना रहे, और ये सारे वर्ड्स वगैरह आपने यूज करोगे जैसे कि सॉरी हाय थैंक यू, ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन है, तो आप भी किसी से मिलते हो मॉर्निंग में तो मॉर्निंग बोल सकते हो, हाय बोल सकते हो, यू ऑलराइट बोल सकते हो, तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग भी सीख ले, और छोटी सी चीजें हैं और किसी को अगर ग्रीट करोगे तो काफी अच्छी चीज ये होती है मेरे ख्याल से, राइट, अपना नेचर शो करता है वो चीजें। बाकी रही अकोमोडेशन की बात ना, तो यार देखो हाँ मैंने अभी तक ना मतलब अकोमोडेशन में इतना एफर्ट नहीं किया, बाकी हम लोग अभी प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से मुझे मूव आउट होना है, क्योंकि ये स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑफ कैंपस है और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। अगर आप लोग दो या तीन या चार लोग फ्रेंड्स लोग मिलके अगर एक रूम ले सकते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा एक चीपेस्ट ऑप्शन भी हो जाएगा और अफोर्डेबल भी हो जाएगा, प्लस में आपको एक एनवायरमेंट भी मिल जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ रहने का, तो मेक श्योर कि आप इस तरीके की अकोमोडेशन ढूंढ लें रादर देन कि एक सिंगल बेडरूम हाउस में रहने की बजाय। क्योंकि क्लासेस को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस है कि क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारी बहुत सारी क्लासेस हुई थी, कभी कभी तो 7-6 घंटे एक दिन में क्लासेस भी थी, फिर 4-4 दिन भी क्लासेस थी, 5 दिन भी क्लासेस थी, किसी किसी दिन, ऐसा नहीं कह रहा कि सारे दिन थी, मतलब किसी वीक में 4 दिन भी थी, किसी वीक में 5 दिन भी थी। तो अभी जो है सेकेंड टर्म में सारे मतलब हमारा जून तक सारा सेमेस्टर ही खत्म कर दिया इन्होंने, बस हमें 3 प्रोजेक्ट रह रहे हैं, एक डिसर्टेशन रह रहा है, एक और फाइनल प्रोजेक्ट है रिसर्च मेथड का, और एक और 3 AI का प्रोजेक्ट है, तो मतलब 3 प्रोजेक्ट रह रहे हैं हमारे। उस हिसाब से देखा जाए तो 5 या 6 महीने में इन्होंने कोर्स खत्म कर दिया, अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है देखा जाए तो, मतलब 3 प्रोजेक्ट के अलावा, और फिर यही हिसाब है हमारा MSc पोस्ट ग्रेजुएट का जो भी है, तो इस हिसाब से देख लो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 महीने की पढ़ाई होती है, उसके बाद 3 या 4 महीने आपको फ्री मिलते हैं, आप काम कर सकते हो, प्लस में आपका वीजा तो काफी दिन के लिए वैलिड होता है आफ्टर जैन, अगर आप जैन डिक्लेयर हो तो उस हिसाब से आपको काफी टाइम मिलता है, आप अर्निंग वगैरह अच्छी कर सकते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ मेरे को बिल्कुल भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्वेरीज पे क्वेरीज मारते रहते हो आप लोग, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ देम, बट आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर
आप लोग मुझे फॉलो करें। बहुत जगह है। यही सब तो मेरा एक्सपीरियंस, होपफुली कि आपको समझ आई होंगी चीजें। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, प्लस भी मेरे एक्सपीरियंस से आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी और आप काफी कुछ सीख भी सकते हो, राइट? सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर। बाय बाय।